बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री और जदयू के बड़े नेता श्रवण कुमार हमारे साथ हैं। रामचरितमानस पे बयान आया था शिक्षा मंत्री का, उसके बाद से लगातार जदयू हमलावर है। पहले अशोक चौधरी, फिर उपेंद्र कुशवाहा, फिर नीरज कुमार और अब संजीव सिंह जो आपके एमएलए, वो भी हमला बोल रहे हैं। तो अब राजद बौखला गई है। राजद कह रही है कि हमारे कुछ ऐसे सहयोगी हैं जो बीजेपी के एजेंडा पे चल रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सो जो बाधा उत्पन्न करेगा वो महागठबंधन से बाहर हो जाएगा। मतलब जदयू को सीधा चेतावनी राजद की तरफ से दिया गया है। देखिए, ये सब बातें हवा में चलती रहती है, लेकिन हम लोगों ने हमने तो पहले दिन ही कहा है कि किसी के भावना को आहत करने का समय नहीं है और न किया जा सकता है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा लगे, किसी को बुरा लगता है तो अपने निजी उनकी बात हो, लेकिन किसी की आत्मा पर, किसी के भाव और भावना पर ठेस नहीं पहुँचे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमने पहले भी कहा है, कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई मस्जिद में करता है, कोई गिरजाघर में करता है, कोई गुरुद्वारा में करता है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपनी धार्मिक चीज़ों को, मान्यता जो मिली हुई है उसके अनुसार वो चलते हैं। हम लोग किसी की भावना पर ठेस नहीं पहुंचाने का काम करते हैं। सब लोग को अपने अपने धर्म को, अपने अपने पुस्तक को, अपने अपने ग्रंथ को, उसको याद रखने में या उसको चलाने में उनकी जो भावना है उनको हाथ नहीं पहुंचे। क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री को सर माफी मांगनी चाहिए, बयान वापस लेना चाहिए, आप मांग करेंगे? वो तो किस उद्देश्य से उन्होंने कहा है वो तो अलग बात है, लेकिन किसी के भावना पर ठेस नहीं पहुंचे इसका ख्याल हम सब लोगों को रखना है। आरजेडी ये भी कह रहे हैं कि हम लोग सबसे बड़े दल हैं, बड़ा दिल दिखाए हुए, तो कहना चाह रही है कि हम लोग नीतीश जी को सीएम बनाए हुए और हमें ही आंख दिखाया जा रहा है? नहीं, ये सब बातें हवा में चलती रहती है, उसका कोई मतलब नहीं। आपको लगता है कि नेताओं को कुछ बड़बोलापन नहीं करना चाहिए, चाहे जदयू के हो चाहे राजद के हो, क्योंकि गठबंधन पर असर पड़ेगा, जनता में भी मैसेज आता है गलत? कहा किसी व्यक्ति के भावना पर ठेस नहीं पहुंचे इसका ख्याल हम सब लोगों को रखना चाहिए। तो ये थे श्रवण कुमार, जो राजद की तरफ से सीधा चेतावनी दी गई है उस पर हमसे बात करते। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।